पाकिस्तान, यूएई, सऊदी अरब, बहरीन से पैसा लेने के आरोपों पर ऑल्ट न्यूज का जवाब। फैक्ट चेक वेबसाइट ऑल्ट न्यूज ने अपने सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी के बाद ऑल्ट न्यूज की पेरेंट कंपनी प्रावदा मीडिया फाउंडेशन पर लगाए गए दिल्ली पुलिस के आरोपों का जवाब दिया है। ऑल्ट न्यूज ने कहा है कि पिछले कुछ दिनों में ऑल्ट न्यूज और पेरेंट कंपनी प्रावदा मीडिया फाउंडेशन पर कई तरह के आरोप लगाए गए हैं। इनमें दावा किया गया है कि हमने उन विदेशी स्रोतों से पैसा लिया जिनसे हम चंदा नहीं ले सकते हैं। ये आरोप पूरी तरह से गलत हैं। हम जिस पेमेंट प्लेटफॉर्म के जरिए चंदा लेते हैं वो हमें विदेशी स्रोतों से पैसा लेने का विकल्प नहीं देता और हमने केवल भारतीय बैंक खातों से पैसा लिया है। इन माध्यमों के जरिए जुटाई गई पूरी रकम कंपनी के बैंक खाते में जाती है। कंपनी से जुड़े कुछ लोगों ने अपने निजी खातों में पैसा लिया है। ये आरोप भी झूठ है क्योंकि कंपनी से जुड़े लोग केवल महीने का मेहनताना लेते हैं। ये सब कुछ उस महत्वपूर्ण कार्य को बंद करने की कोशिश है जो हम करते हैं और हम लोग इसके खिलाफ लड़ेंगे और जीतेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने मोहम्मद जुबैर को 27 जून को एक आपत्तिजनक ट्वीट के मामले में गिरफ्तार किया था। एक हिंदू देवता के खिलाफ मोहम्मद जुबैर का ये विवादास्पद ट्वीट साल 2018 में किया गया था। समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली पुलिस ने शनिवार को अदालत में कहा था कि प्रावदा मीडिया फाउंडेशन को विदेशी मोबाइल नंबर या फिर विदेश में स्थित आईपी एड्रेस के जरिए कई बार पैसे भेजे गए थे। इस तरह से कंपनी को 2 लाख रुपए से ज्यादा की रकम मिली थी। दिल्ली पुलिस का कहना है कि रेजर पे पेमेंट गेटवे से मिले जवाब की पड़ताल से ये बात सामने आई है कि ऐसे कई भुगतान किए गए थे जिनमें या तो भारत से बाहर के मोबाइल नंबर या फिर विदेशों के आईपी एड्रेस इस्तेमाल किए गए थे। दिल्ली पुलिस के बयान के मुताबिक इन जगहों में बैंकॉक, ऑस्ट्रेलिया, मनामा, नॉर्थ हॉलैंड, सिंगापुर, विक्टोरिया, न्यूयॉर्क, इंग्लैंड, रियाद, शारजा, स्टॉकहोम, अबू धाबी, वॉशिंगटन, कंसास, न्यू जर्सी, ओंटारियो, कैलिफोर्निया, टेक्सास, लोअर सैक्सनी, बर्न, दुबई, स्कॉटलैंड शामिल हैं। पुलिस का कहना है कि प्रावदा मीडिया फाउंडेशन ने इन ट्रांजैक्शंस के जरिए 2,31,933 रुपए की रकम जुटाई थी। दिल्ली पुलिस के आरोपों के बाद ऑल्ट न्यूज के जवाब पर जनता ने भी प्रतिक्रिया दी है। मंजूर अहमद नाम के यूजर ने लिखा, विदेश से पैसा, ऑक्सीजन सब आता है। वहीं शेखर राणा नाम के यूजर ने लिखा, इसे कहते हैं साजिश। मुइन खान नाम के यूजर ने लिखा, असहमति को झूठ बोलकर दबाया जा रहा है। मोहम्मद बुरहान ने लिखा, झूठ पे झूठ, कभी रुपया गिरता है तो कभी सरकार गिरती है, दोनों में होड़ लगी है गिरने की। वहीं प्रदीप एनएक्सटी ने लिखा, एडिटेड वीडियो डालकर फैक्ट चेक के नाम पर समाज में विद्वेष फैलाने वाले को सख्त सजा दी जानी चाहिए। आपकी क्या राय है इस खबर को देखने के बाद हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे हर खबर की अपडेट आप तक पहुंचे।